हेमंत सोरेन बाहर आए या नहीं आए और अब आज की रात उनकी कहां बीतेगी। उन्हें तो बहुत शानदार लाइफस्टाइल की आदत है, वो प्राइवेट प्लेन्स में चलते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं। आज उनके लिए एक तरीके से वैसा ही होगा जैसे वो 20 30 40 साल पहले वापस अपने किसी आदिवासी के तौर पर किसी जंगल में चले जाएं। आज की रात काफी मुश्किल होने वाली है। इसको तो आप जानते होंगे और अभी इसने जो बोला वो सुन भी लिया होगा। दरअसल आपको बता दूं कि इसका काम है सत्ता में अपने बैठे आकाओं को खुश करना, उनका एजेंडा चलाना, उनके लिए देश में नफरत फैलाना, ये इसका मुख्य काम है। इसको पत्रकार वैसे कहना ठीक नहीं है, ये अपने ब्लैक एंड व्हाइट, आज तक का जो ब्लैक एंड व्हाइट प्रोग्राम आता है उस ब्लैक एंड व्हाइट प्रोग्राम में एक तरह से ये आदिवासियों का अपमान कर रहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री को ईडी ने अपना शिकार बनाया और ईडी आजकल किस तरीके से काम कर रही है यह बताने की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन यह अपने प्रोग्राम में कहता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को शानदार लाइफस्टाइल जीने की आदत है और वो जेल में तो वैसे ही होगा जैसे आदिवासी के तौर पर जंगल में चले जाएं। तो दलाल छाप तिहाड़ी, जरा ये बता दो कि ये जो सूट बूट ये काला सफेद पहनकर जो आए हो, क्या उस पर आपका कॉपीराइट है? क्या तूने इस सूट बूट का ठेका ले रखा है? क्या कोई आदिवासी प्लेन के अंदर नहीं बैठ सकता, शानदार लाइफ स्टाइल नहीं जी सकता? क्या किसी आदिवासी को कोई अधिकार नहीं है शानदार लाइफ स्टाइल जीने का? क्या आदिवासी अपने पास कोई कैश या रुपया नहीं रख सकता? क्या आदिवासी किसी अच्छे मकान के अंदर नहीं रह सकता? जो ये तू कह रहा है ना कि आदिवासी की तरह जंगल में चले जाएं, क्या कभी तूने आदिवासी का इतिहास पढ़ा है? कभी अगर दलाली से फुर्सत मिले तो आदिवासियों के बारे में जानने की कोशिश करना कि जिन जंगलों की बात जहां आप ये बोल रहे हो ना कि आदिवासी की तरह जंगल में चले जाएं, वहां कभी जाकर देखना, जंगलों में रहने वाले आदिवासी भी राजाओं की तरह रहते हैं और वो सब कुछ कर लेते हैं लेकिन तुझ जैसी दलाली नहीं करते। ये महाशय अपनी दलाली अपने आकाओं के एजेंडे में इतना चूर है कि देश के 12 करोड़ आदिवासियों का अपमान कर रहा है। इसको लगता है कि शानदार लाइफस्टाइल, अच्छा घर, प्लेन में बैठने का सुख सिर्फ ये ही भोग सकता है, इसके जैसे लोग ही भोग सकते हैं, कोई आदिवासी नहीं भोग सकता। दरअसल ये दिमाग का मरीज है, ये अपने आकाओं को खुश करने के लिए कुछ भी बोल सकता है, किसी को भी नीचा दिखा सकता है, ये समाजों में नफरत भर सकता है और अब ये उस समाज का अपमान कर रहा है जो इस देश की नींव है, आदिवासी। वो आदिवासी जो इस देश की आजादी की लड़ाई हो, चाहे देश का निर्माण हो, हमेशा नींव का पत्थर बना रहा है। और दलाल, मीडिया के गोदी एंकर समझ नहीं है तो समझ कि नींव अगर मजबूत होती है तो ही इमारत बुलंद और शानदार खड़ी होती है और आदिवासी इस देश की वो मजबूत नींव है, इसीलिए आज ये देश इतना शानदार और सर ऊंचा करके खड़ा हुआ है। लेकिन खैर, इसको यह समझ नहीं आएगा, इसके आकाओं ने ईडी छोड़ रखी है पीछे, इन्हें वो एजेंडा दिखाना है। ये रबड़ की रीढ़ वाले हैं, ये कड़क रीढ़ वाले नहीं है, ये झुक जाते हैं सत्ता के सामने। ये सरकार या सत्ता से कोई सवाल नहीं कर सकते, सरकार की वाहवाही करते हैं, विपक्ष से सवाल करते हैं और विपक्ष को मोदी सरकार ईडी और बाकी एजेंसियों के जरिए जेल में डाल देना चाहती है और ये उनकी दलाली करते नजर आएंगे। खैर, मैं आपको बता दूं कि इसने ये जो अपने ब्लैक एंड व्हाइट प्रोग्राम में ये जो आदिवासियों के लिए बोला, आदिवासियों का अपमान किया, तो इसके खिलाफ झारखंड में एफआईआर दर्ज हुई है एसटीएससी एक्ट के तहत और सोशल मीडिया यानी कि ट्विटर जो एक्स है उसके ऊपर ट्रेंड भी कर रहा है आज अरेस्ट सुधीर चौधरी, ये ट्रेंड कर रहा है। कई पत्रकारों ने, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने और यूजर्स ने इसको गिरफ्तार करने की मांग उठाई है। इसी में मैं कुछ बताता हूं कि जो शिरीष मावची हैं वो लिखते हैं कि तिहाड़ी जी आदिवासी 40 साल पहले जंगल में नहीं, वो 240 साल पहले आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तब तुम्हारी ही तरह तुम्हारे दादा के दादा अंग्रेजों की गुलामी पर थे। सुधीर चौधरी ने हेमंत सोरेन के साथ पूरे आदिवासी समुदाय का अपमान किया है, इसकी गिरफ्तारी हो।
डॉक्टर आलोक यादव लिखते हैं कि मनुस्ट्रीम मीडिया ये सोचता है कि एससी एसटी ओबीसी नेताओं को भिखारी की जिंदगी जीना चाहिए, उन्हें प्लेन या कार में नहीं बैठना चाहिए बल्कि जंगल में रहना चाहिए। सुधीर चौधरी के खिलाफ एससी एसटी एक्ट में देश भर में हजारों मुकदमे दर्ज होने चाहिए। बिट्टू शर्मा नाम के यूजर्स हैं, वो लिखते हैं कि सरकार के पालतू सुधीर चौधरी तिहाड़ी द्वारा आदिवासी समाज का अपमान किया गया है, क्या द्रौपदी मुर्मू इस पर आपत्ति जताएंगी या फिर गदर मूवी देखने के लिए बोलेंगी, लिखिए ताकि सुधीर को अरेस्ट किया जा सके। मनराज मीणा नाम के यूजर्स हैं, वो लिखते हैं कि आज तक के एंकर सुधीर चौधरी ने झारखंड के लोकप्रिय सीएम हेमंत सोरेन जी को निशाना बनाते हुए पूरे आदिवासी समुदाय का अपमान किया है, ये असहनीय है। सुधीर चौधरी के विरुद्ध एससी एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया जाए। मान सिंह मरमात लिखते हैं कि सुधीर चौधरी की सही जगह स्टूडियो में नहीं जेल में होनी चाहिए, आदिवासी समुदाय का अपमान अब मीडिया में बैठकर ये लोग कर रहे हैं, ऐसे लोगों को जेल में डालने की जरूरत है। हंसराज मीणा लिखते हैं कि आज तक के एंकर सुधीर चौधरी ने झारखंड के लोकप्रिय सीएम हेमंत सोरेन जी को लेकर सारे आदिवासी समुदाय का अपमान किया है, यह असहनीय है। सुधीर चौधरी के विरुद्ध एससी एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है, झारखंड पुलिस से मैं शीघ्र इसकी गिरफ्तारी की मांग करता हूं। तो ये वो दलाल है जो अपने आका को खुश करने के लिए ये कुछ भी कर सकता है। इसने जो आदिवासी समुदाय का अपमान किया और जिस तरीके से बोला, और ये इसने कहा कि मतलब आदिवासी की तरह 30-40 साल पहले ये आदिवासी की तरह जंगल में चले जाएंगे, इसके कहने का मतलब यही था कि आदिवासी जंगलों के अंदर ही रहें, न अच्छे घरों के अंदर रहें, न अच्छी शानदार लाइफस्टाइल जिए, इसके कहने का मतलब यही था। एक तरीके से ये एक पूरे के पूरे समाज का अपमान है। इस बारे में आपका क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और इसकी गिरफ्तारी की मांग जरूर होनी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हेमंत सोरेन बाहर आए या नहीं आए और अब आज की रात उनकी कहां बीतेगी, उन्हें तो बहुत शानदार लाइफस्टाइल की आदत है, वो प्राइवेट प्लेन्स में चलते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं। आज उनके लिए एक तरीके से वैसा ही होगा जैसे वो 20-30-40 साल पहले वापस अपने किसी आदिवासी के तौर पर किसी जंगल में चले जाएं। आज की रात काफी मुश्किल होने वाली है।